सितंबर 2015 में 193 देशों के विश्व नेताओं ने एक मत से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDG को अपनाया। SDG अगले 15 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए एक बुनियाद प्रदान करते हैं, जिसके तहत कोई पीछे ना छूटे। व्यापार, उद्यमों और कंपनियों के साथ सभी को इन वैश्विक चुनौतियों को हल करने का संकल्प लेना होगा। SDG 16 का उद्देश्य है हिंसा को समाप्त करना, कानून और न्याय के शासन को बढ़ावा देना और सभी के लिए मानव अधिकारों की रक्षा करना। भारत में केवल 50% अपराधों के केस दर्ज होते हैं और जो होते हैं उनमें आधे से भी कम केसों में गुनहगारों को अपने अपराध की सजा मिलती है। पिछले वर्षों में सजा दर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में और भी कम होता जा रहा है। 2015 से भारत में हिंसा और जान की धमकियों के 110 केस मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। भ्रष्टाचार और व्यवसायिक संगठनों की जवाबदेही के खिलाफ आवाज उठाने वालों में से एक तिहाई लोगों की हत्याएं या अपहरण हो चुके हैं। पिछले साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को 180 देशों में से 80वीं सबसे भ्रष्ट देश घोषित किया था। भारत के निम्न स्थान का कारण व्यवसायिक संगठनों का सरकारी निर्णय पर अनुचित प्रभाव और दबाव था। समय आ चुका है जब व्यवसाय मानव अधिकारों और न्याय के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाएं। कंपनियों को विधि नियमों का पालन करना होगा, चाहे बात कर्मचारियों की वेतन की हो या फिर पर्यावरण मंजूरी की। व्यवसायों को कार्यस्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न से निपटने के लिए सख्त नीतियां और निर्देश स्थापित करने होंगे और जब श्रमिक और समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो तो उन्हें उपयुक्त निवारण मिले और अपराधियों को उपयुक्त दंड। SDG द्वारा परिकल्पित परिवर्तन के लिए चाहिए परिवर्तनकारी कार्य। Act for SDGs।